इतना स्पॉन्जी और परफेक्ट ढोकला, वो भी होममेड प्रेमिक्स से। जब भी आप एक बार इसे बनाएंगे, मार्केट के सभी ढोकला प्रेमिक्स भूल जाएंगे। तो चलिए आज इस रेसिपी को पूरा देखते हैं। इसमें मैंने कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताए हैं, तड़का लगाने का कौन सा स्पेशल तरीका है, ये सभी जानने के लिए रेसिपी को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे एक रिक्वेस्टेड रेसिपी ढोकला प्रीमिक्स। परफेक्ट ढोकला प्रीमिक्स बनाने के लिए महीन वाला अच्छे क्वालिटी का बेसन ले लीजिए। बेसन नहीं है तो चने की दाल को आप महीन पिसा सकते हैं और फिर उसके बाद इसे छन्नी से छान देना है। ग्राम में और कप में दोनों भी इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिया हुआ है कितना लिया है। उसमें ही डाल दीजिए महीन वाली सूजी और उड़द दाल का आटा। अगर आटा नहीं है तो ग्राइंड करके महीन छन्नी से छान के ले लीजिए। छाने हुए आटे में से थोड़ा सा आटा ग्राइंडर में डालिए। इसमें ही डाल दीजिए चीनी, पिसी हुई चीनी है तो वो भी सेम क्वांटिटी में ले सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए नमक। नमक आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, पर चीनी इतनी ही डालिए। इसमें ही डाल दीजिए सिट्रिक एसिड, इसे नींबू खार या फिर नींबू का सत्व भी कहते हैं। ये बिल्कुल चीनी की तरह ही दिखाई देता है। मिला लेना है और अच्छे से महीन ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रहे, बिल्कुल महीन ग्राइंड कीजिए और फिर इस आटे में मिक्स कर दीजिए। अब इसमें ही डाल दीजिए 6 टीस्पून रेगुलर इनो। बॉटल में से भी निकाल के डाल सकते हैं, पाउच है तो 6 पाउच डाल दीजिए। 6 पाउच में 6 टीस्पून, एक पाउच में 1 टीस्पून रहता है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, सभी इंग्रेडिएंट मिल जाने चाहिए। उसके बाद किसी कांच के एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे काफ़ी महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसे फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये खराब हो सकता है। चलिए अब इस प्रीमिक्स से बना लेते हैं ढोकला। इस प्रीमिक्स में से 1.5 कप ढोकले का, प्रीमिक्स मीन्स ढोकले का आटा ले लीजिए। अगर आपने इसे कंटेनर में भर के काफ़ी दिन तक रखा हुआ है तो फिर से इसे एक बार छान लीजिए और जिस कंटेनर में बनाना है ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, एक ही डायरेक्शन में जल्दी जल्दी घुमाते जाइए। इस प्रोसेस को हमें थोड़ा सा फास्ट करना है। इसमें ही डाल दीजिए ऑयल और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतने आटे में लगभग 1 कप पानी आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए कर सकते हैं। इसमें हमने हल्दी नहीं डाली है, फिर भी इस ढोकले का कलर एकदम परफेक्ट आएगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो आप पिंच भर येलो फूड कलर डाल सकते हैं, पर हल्दी ना डालें। हल्दी डालने से ढोकले का कलर थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। तुरंत ही ग्रीस किए हुए केक टिन में पलट देना है और फिर रख दीजिए स्टीमर में। स्टीमर के बदले आप पानी गर्म किए हुए कढ़ाई में भी रख सकते हैं। ध्यान रहे, हमें पानी पहले ही गर्म कर लेना है। अगर आप इसके बाद पानी गर्म करेंगे तो ढोकला एकदम अच्छा नहीं बनेगा। मीन्स स्टीमर हमें पहले से तैयार रखना है और लगभग 20 मिनट तक ढक के कुक होने दीजिए। 20 मिनट के बाद चेक करके देखिए, अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट और कुक कर लीजिए। लगभग 1/4 कप पानी गर्म कीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून चीनी। चीनी अगर पिसी हुई है तो पिसी हुई डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें आसानी से घुल जाएगी क्योंकि पानी को हमने गर्म किया है। इस चीनी वाले पानी को ठंडे हो चुके ढोकले पर डाल दीजिए, ढोकले के पीसेस कर लीजिए। इस चीनी वाले पानी को कभी भी तड़के में ना डालते हुए अगर आप इस तरह से डालेंगे तो तड़के का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ढोकले का टेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल भी गले में फंसेगा नहीं क्योंकि इसमें हमने उड़द दाल डाली है और चीनी के पानी को बिल्कुल अलग तरह से डाला है। एक पैन में तेल गर्म कर लीजिए। गर्म होते ही इसमें डाल देना है हींग, राई, कटे हुए हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। जैसे ही ये सभी थोड़े से क्रिस्पी हो जाए,
एक मिनट में आसानी से हो जाएंगे। क्रिस्पी होते ही फ्लेम को बंद कर देना है और तुरंत ही डाल दीजिए ढोकले पर। पहले ऊपर के साइड से डालिए, ढोकले को पलट दीजिए और दूसरे साइड से भी इस तड़के को डाल दीजिए। और अब सर्व कीजिए परफेक्ट स्पंजी ढोकला। जब भी आप इसे बनाएंगे, कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा कि आपने इस ढोकला प्रीमिक्स को घर में बनाया है। मार्केट के सभी ढोकला प्रीमिक्स आप भूल जाएंगे। मैंने इसे आधा किलो का बनाया है, आप चाहे तो इसे 250 ग्राम का भी बना सकते हैं। इसे बनाकर रखिए, लगभग ये 3 महीने तक खराब नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये ढोकला प्रीमिक्स और ढोकला रेसिपी पसंद आई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, साथ ही आप इसे कब बना रहे हैं। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए। इससे आपको रेसिपी अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।